बाद आज हम बनाने वाले पनीर काती रोल्स या फिर बोल सकते हैं पनीर फ्रैंकी। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप राइस फ्लोर मतलब चोखे का आटा, फिर हमें चाहिए 2 चम्मच ऑयल, ऑयल में जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो वो, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए, फिर हम ऐड करेंगे दही, दही हम ऐड कर रहे हैं 3 से 4 चम्मच अप्रॉक्सीमेशन। दही में आप खट्टा दही यूज़ करना, अगर खट्टा दही नहीं है तो फिर आप फ्रेश दही यूज़ कर सकते हो। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे खाने का सोडा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं सो दैट ये इवनली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब सब अलग अलग ना रहे और सब एक साथ में मिक्स हो जाए। उसके बाद मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वॉर्म वाटर। वॉर्म वाटर मतलब कि जो पानी जिसमें हम उंगली ऐड कर सकते हैं उतना, तो हम वॉर्म वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे सो दैट एकदम ही एक साथ में ना गिर जाए और ज़्यादा ना हो जाए पानी। इसलिए हमें इस आटे को अच्छे से गूंदना है रोटी जितना सॉफ्ट, ठीक है। वॉर्म वाटर इसलिए हम ऐड करते हैं सो दैट आटा फटाफट मिक्स हो जाता है और अच्छा सा टेक्सचर भी देता है, सॉफ्ट भी देता है। अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक हमें वो रोटी जितना सॉफ्ट आटा ना मिले, ठीक है। तो हम इसे मिक्स करते रहेंगे। अब जब हमें ये टेक्सचर मिल गया है, ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट भी बन गया और ये टेक्सचर भी मिल गया हमारा रोटी जैसा, तब हम इसे 1 चम्मच ऑयल ऊपर से ऐड कर देंगे और फिर हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे सो दैट वो अच्छे से नीट हो जाए और एक टेक्सचर अच्छा आ जाए। 2 मिनट के बाद हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने दे देंगे। आप इंस्टेंटली भी बना सकते हो पर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इसे 2 घंटे तक रेस्ट कराओ, ठीक है। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए आराम करने के लिए रख देंगे। फिर अब हम ऐड बनाएंगे मैरिनेशन पनीर का। उसके लिए हमें चाहिए वापस से 3 से 4 चम्मच खट्टा दही। खट्टा दही नहीं है तो फिर आप ऐड कर सकते हो फ्रेश दही। 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है हमने, कोई भी खाने का तेल यूज़ कर दीजिएगा। फिर मैं आप बताना चाहूँगी कि कौन सा मसाला है, तो सॉल्ट है, फिर हमारा गरम मसाला है, फिर रॉक सॉल्ट है सिंधु नमक, फिर है सेका हुआ जीरा मतलब भुना हुआ जीरा, हींग, हल्दी, धाना जीरू मतलब कोरिएंडर पाउडर और लाल कश्मीरी मिर्ची। हमने ऐड किया है सॉल्ट एज पर टेज, और फिर हमने ऐड किया है गरम मसाला 1/2 चम्मच, फिर हम ऐड कर रहे हैं रॉक सॉल्ट, फिर हमने ऐड किया है भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, फिर हमने ऐड किया है हींग 1/2 चम्मच, फिर हमने ऐड किया है हल्दी 1/2 चम्मच, फिर हमने ऐड किया है धाना जीरा 1 पूरा चम्मच और हमने लाल कश्मीरी मिर्च ऐड किया है 2 चम्मच भर के, ठीक है। ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाट मसाला भी ऐड करना चाहते हो तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपको लेमन ऐड करना है तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हो, अगर लेमन नहीं खाते हो तो नहीं ऐड करना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। तो पनीर हमने लिया है इसमें 100 ग्राम्स, तो हम इसे अच्छे से कट कर देंगे और डाइस्ड कट करके और इसमें डाल देंगे। थोड़े पनीर के पीसेस बड़े काटना सो दैट इस वो मुंह में आए, एकदम छोटे काटना मत क्योंकि फिर वो मैरिनेशन को भी कोट नहीं होंगे। तो हमने 100 ग्राम्स पनीर ऐड कर दिया और हम इसे भी मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स करना। और या ये बताना चाहोगे कि इससे हमारे अप्रॉक्सीमेशन 3 से 4 रोल्स बनते हैं और ये जो मैरिनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा बनाना, ठीक है। अब हम उसे भी रेस्ट करने दे रहे हैं 2 घंटे के लिए। अब हम रोटियां बेलना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं। रोटी बनाने के लिए हम इसे जैसे घर पे फुलके रोटी पतली होती है वैसे ही हमें इसे भी बेलना है, एकदम पतली ही बेलनी है। और अगर आपको आटा चाहिए तो आप आटा का यूज़ कर सकते हो। तो हमने आटा लेके ही रोटी को गूंदा है और इसे एकदम पतला नहीं करना, सिर्फ फुलका रोटी जितना पतला करना, मतलब जिससे रोटी फूल सके, मोटी मत करना सो दैट फिर वो मोटा मोटा मतलब सिर्फ रोटी का टेस्ट आएगा। इसलिए तो आप देख सकते हो कि हमने कितनी पतली रोटी बेली है, हमें उतनी रोटी ही बेलनी है। अब हमें एक तवा लेना है, तवे पे हमें रोटी डाल देनी है और इसे कुक करना है।
पहले जब तवा गर्म ही रखना, नहीं तो फिर बेलने को या गर्म होने को रोटी टाइम लगता है। अब हम इसे अच्छे से फुला देंगे, फुलका रोटी बनाना है बेसिकली हमको। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर मैरिनेशन आप गर्म करके दही यूज़ करना चाहते हो तो आप गर्म करके भी दही यूज़ कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। अब हमने फुलका रोटी बना दी है, अब हम उस पर घी ऐड कर देंगे। पहले जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी लगाने के बाद हम इस पर ऐड करेंगे मेयोनीज और हमारा ये मैरिनेशन। तो पहले हम मैरिनेशन ऐड कर रहे हैं, मैरिनेशन हम हार्डली 1 से 2 चम्मच ऐड करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे मेयोनीज। तो मेयोनीज जो घर पे बनाई हुई है वो, अगर आपको नहीं आता तो ऊपर आई आइकन पे दी गई मेयोनीज है उस पर आप क्लिक करें। हमने मेयोनीज को भी लगा दिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके रोटी पे लगा देंगे। एक बार ये लग जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मैरिनेटेड पनीर। हम इसमें 4 से 5 पीसेस पनीर के ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर्स। बेल पेपर्स में हम येलो, रेड, ग्रीन कैप्सिकम ऐड करने वाले हैं। हम पनीर को कट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पनीर के पीसेस काफ़ी बड़े थे और ये 2 काठी रोल्स में लोगों का पेट भर जाता है। जिसका एपेटाइट जैसा हो उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। तो हम बेल पेपर्स ऐड कर रहे हैं, हमें इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं, हमें इसे डायरेक्ट कच्चे के कच्चे ही इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर हम इसे रोल कर देंगे जैसे कि हम फ्रैंकी को रोल करते हैं वैसे, और फिर हम इसे एक बार सेक देंगे। सेकना हमें तवी पे है, गर्म तवी पे थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और फिर हम इसे कुक होने लेंगे। इसको कुक होने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं और एकदम ही फ्लेवरफुल टेस्ट आता है क्योंकि सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हुए होते हैं और उसको 2 घंटे में अच्छा मसाला चढ़ जाता है, मतलब पूरा टेस्ट एनहेंस हो जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से पलट भी देंगे, सो देख सकते हो कि ये ब्राउन टेक्सचर आ गया है। बस हम वैसे ही करेंगे। अगर आपको इसे सेकना नहीं है तो आप इसे कच्ची, मतलब वो जो नॉर्मल रोटी हमने बनाई थी और उस पर सब लगाया, डायरेक्टली भी खा सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।